नमस्कार, मी कल्याणी, आपण बघत आहात वीकेबी न्यूज। ऑल इंडिया रिन्युएबल एनर्जी असोसिएशनने महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्प आणि सौर क्षेत्रातील संधी यावर चर्चा करण्यासाठी शनिवार 18 मार्च रोजी सदस्यांची बैठक आयोजित केली होती। ही बैठक VIA हॉल, उद्योग भवन, सिव्हिल लाईन्स नागपूर येथे भाजपा औद्योगिक सेल आणि VIA म्हणजे विदर्भ इंडस्ट्री असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित करण्यात आली होती। कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून आमदार व नागपूर BJP शहर अध्यक्ष प्रवीण डटके आणि MSEBचे संचालक विश्वास पाठक यांची विशेष ऑनलाईन उपस्थिती लाभली। भाजपा औद्योगिक सेलचे अध्यक्ष गिरधारी मंत्री यांनी उपस्थित सदस्यांना संबोधित केले, तर ऑल इंडिया रिन्युएबल एनर्जी असोसिएशनचे संचालक साकेत सुरी यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले। विदर्भ इंडस्ट्री असोसिएशनचे अध्यक्ष विशाल अग्रवाल यांनी इतर मान्यवरांसह व्यासपीठ सामायिक करून चर्चासत्रात टिप्पणी दिल्यात। बजेट पर अक्सर चर्चा होती है, आप लोग भी कई बजट आए हैं, आपने आज तक जितने भी बजट देखे उस पर हमेशा चर्चा करी है और उसको अच्छा या बुरा भी कहा है। मैं तो एक शब्द में कहता था, मैंने एक जगह बजट के अंदर मुझसे पूछा गया कि बजट क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसा होता है, तो मैंने कहा बजट तो बजट होता है, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने कहा फिर कैसा है, तो उसने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बोले बजट को हम लोग क्या करते हैं कि एक चॉकलेट की तरह सोचते हैं। बजट का चॉकलेट आया, रैपर खोला, मुंह में डाला, अच्छा लगा तो बजट अच्छा है, और अच्छा नहीं लगा तो थूक देते हैं, बोलते हैं बजट खराब है। मतलब बजट को उसने इतने संक्षिप्त भाषा में मुझे समझा दिया कि यह है ऐसा। मैंने कहा यह तो वाकई सोचने वाली बात है। तो इस बार देश के अंदर में जब पहला बजट आया, ये अमृतकाल का बजट, जो देश का बजट जो निर्मला जी ने दिया और मोदी जी के नेतृत्व में ये बजट आया, तब कि ये चॉकलेट बजट नहीं होना चाहिए या इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस बजट पर हमेशा हर जगह पर जहां जहां जा सके समाज में इसकी चर्चा होनी चाहिए कि बजट का मायना क्या है, उसके अर्थ क्या है, बजट को हमने क्या समझना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। नमस्कार, मैं साकेत सूरी, डायरेक्टर एरिया। मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये पब्लिक एट लार्ज से आह्वान करना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से अभी बहुत अच्छी सब्सिडी की स्कीम्स चल रही हैं। एक घर पे सोलर लगाने पे 95,000 रुपये तक लगभग सब्सिडी मिल रही है। इससे जो बिजली बनेगी वो आपको लगभग सब्सिडी के अलावा महीने के 2-3% के आसपास का रिटर्न देंगे। आपका सिस्टम 3-4 साल में फ्री हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ सब्सिडी में सोलर लगवाएं। एरिया के मेंबर्स जो है उनकी ट्रेनिंग दी गई है, एक ऑनलाइन ऐप है जिसके ज़रिए आपको सब्सिडी मिल जाएगी। सब्सिडी 1-2 महीने के भीतर आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगी। तो आप सब्सिडी में सोलर लगवाएंगे, सब्सिडी भी मिलेगी, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा मिलेगा, प्लस साथ में आप पर्यावरण के लिए कुछ कर पाएंगे। तो मैं यही आह्वान करूँ कि आप सब लोग सोलर लगवाएं। थैंक यू। अशा चांगल्या व सकारात्मक बातम्यांसोबत पुन्हा भेटूया VKB डिजिटलमध्ये। नमस्कार।